गुंडे पालेंगे वो, लोगों के बीच 10 साल नहीं जाएंगे वो, लोगों से बदतमीजी करेंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, सबको रया बताएंगे वो, सबके साथ गुंडागर्दी करेंगे वो, कहेंगे 19 के बाद सबको देख लूंगा वो, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि वो कितने विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2024 का चुनाव जितना ही करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी उतना ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में बात दिलचस्प तब हो जाती है जब अपने ही नेता अपने ही दिग्गज नेताओं पर हमला बोल दें, और वो भी उन नेताओं पर जो मौजूदा वक्त में प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं विवादों में भी हैं। पूरी तरीके से मामला इस वक्त गरमाया हुआ है और ये मामला तूल पकड़ेगा भी, क्योंकि ऐसे ही अब बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यानी कि सत्ता पक्ष में। चाहे बात राजस्थान के विधायक बाबू सिंह राठौर की हो, जिन्होंने अपने ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सार्वजनिक रूप से मंच पर जमकर घेरा था, या फिर अब की बात करें, क्योंकि पूरी तरीके से मामला कुछ ऐसा ही है, अब पश्चिमी यूपी से मामला सामने आया। एक तरफ पश्चिमी यूपी में पहले ही बीजेपी के लिए रास्ते कांटे भरे, वजह ठाकुरों का गुस्सा। ऐसे में अब बीजेपी में आपसी कलह, कहीं ना कहीं बात तो बड़ी है। पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से राह मुश्किल होती जा रही है। पार्टी को ठाकुरों की नाराजगी का सामना पहले ही करना पड़ रहा, तो वहीं अब दो बड़े नेता आमने सामने। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान पर बड़ा पलटवार किया। संजीव बालियान और ठाकुर संगीत सोम में 36 का आंकड़ा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। संगीत सोम ने कहा कि मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडों को सहारा नहीं देता, मैं जातिवाद की राजनीति करता, गुंडे पालेंगे वो, 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, लोगों से गुंडागर्दी करेंगे वो, 19 के बाद सबको देखने की बात करेंगे वो। चलिए आपको सुनाते हैं संगीत सोम की बात की, उन्होंने किस हद तक पूरी तरीके से संजीव बालियान पर हमला बोला। नहीं नहीं, मेरा किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूँ, विकास की राजनीति करता हूँ, विकास का काम करता हूँ, मैं किसी गुंडे को सहारा नहीं देता हूँ, मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता हूँ और मैं अपने लोगों के साथ करता हूँ। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, गुंडे पालेंगे वो, लोगों के बीच 10 साल नहीं जाएंगे वो, लोगों से बदतमीजी करेंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, सबको रया बताएंगे वो, सबके साथ गुंडागर्दी करेंगे वो, कहेंगे 19 के बाद सबको देख लूंगा वो, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि वो कितनी विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं नहीं देखेंगे, मुझे लगता नहीं है, मैं देखूंगा, बात करूंगा, लोगों से बात करेंगे, हमारे लोग हैं, मेरी बात नहीं टालते, मैं बात कर लूंगा उनसे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं अलग प्रचार कर रहा हूँ, वो अलग करें, सभी एक जगह थोड़ी करेंगे प्रचार। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूँ। बीजेपी किस से नाराजगी है, स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। सुना आप सभी ने, ये हाल है बीजेपी के नेताओं का, जो अपने ही प्रत्याशियों के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अब जब वो अपने प्रत्याशियों को ये कह रहे हैं कि गुंडा पालेंगे वो, तो कहीं ना कहीं बात तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि वो स्वच्छता वाली पार्टी है, गुंडा उसकी पार्टी से दूर रहते हैं, गुंडों को वो सह नहीं देती। फिर ये क्या था आखिरकार, जब संजीव बालियान के बिगड़े बोल की चर्चा उन्हीं के नेता कर रहे हैं, तो फिर ये मामला क्यों नहीं थम रहा। इतना ही नहीं, संगीत सोम आगे ये भी कहते हैं कि संजीव बालियान का इस तरह मुझसे बात करने का ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अपने में ही नेता कहते हैं कि उनका इस तरह हमसे बात करने की नहीं, मतलब अब बीजेपी वाले इस तरह देखकर बात करेंगे, और उनके प्रत्याशी का इस तरह ही नहीं है, फिर भी वो टिकट दे रहे हैं। संजीव बालियान नहीं हूँ, उन्होंने आगे ये भी कहा, बीजेपी का प्रचार करता हूँ मैं, संजीव बालियान का प्रचार नहीं करता। अब आप सोच होंगे कि हो क्या रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है मिशन 80। क्या ऐसे मिशन 80 का दावा पूरा होगा बीजेपी का,
बिल्कुल नहीं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के जनता भी सोचने पर मजबूर है। आपको बता दें, सीएम योगी भी सरधना के जनसभा करने पहुंचे। उसी दौरान सोम ने मीडिया से बात की। सरधना की ठाकुर चौपसी संजीव बालियान से नाराज बताई जा रही और उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीएम आए थे। और तो और डैमेज कंट्रोल में तो बीजेपी नेताओं का कुछ कहना ही नहीं है। उन्हें बखूबी सिखाया गया है कि कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। ऐसा इस बार भी हुआ जब इस मामले का डैमेज कंट्रोल करने संजीव बालियान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाता और बीजेपी को लगा मामला हाथ से निकल रहा था तो फिर क्या था। बीजेपी ने इसको और कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी की जनसभा का आयोजन कर दिया। सीएम योगी ने भी इस पूरी नाराजगी का डैमेज कंट्रोल किया और सीएम योगी क्षत्रियों की भी नाराजगी का डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। यहां तक कि सीएम योगी संगीत सोम और संजीव बालियान में दोस्ती कराने के लिए नए नए पैतरे भी आजमाते हुए नजर आए। उन्होंने पुराने किस्सों का भी चर्चा कर दिया। लेकिन क्या वाकई ये डैमेज कंट्रोल जनता के लिए काफी है? क्या जनता ये सारे बयानों को भूल जाएगी? क्या जनता संगीत सोम की बातों को भूल जाएगी? क्या जनता संजीव बालियान की बातों को भूल जाएगी? अब जब बीजेपी अपने ही नेताओं को नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो देश में सब कुछ सही चल रहा है, ये कैसे होगा? और क्या इस तरह से बीजेपी जनता को अच्छे दिन और सबका विकास का दावा कर रही है? या फिर ये कहें कि वही बीजेपी है जो लगातार इंडिया गठबंधन को नसीहत देती थी। जब वहां पर तकरार नजर आ रही थी, जब वहां पर बातचीत हो रही थी तो कहा जाता था कि इनके यहाँ कोई भी मजबूत फैसला लेने लायक ही नहीं है। ये भी कहा जाता था कि इनके यहाँ पूरी तरीके से सबको कुछ भी कहने का अधिकार मिल चुका है और कोई किसी के कंट्रोल में नहीं। तो अब वही काम तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करेगी बीजेपी, क्या कहेगी बीजेपी? या फिर सिर्फ ऐसे ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती रहेगी बीजेपी? बीजेपी में नरम गरम की कहानी लगातार जारी है। ऊपर से क्षत्रियों का गुस्सा इस क्षेत्र से पहले ही भारी पड़ रहा है। बीजेपी के मिशन 80 की कहानी तो अब सबके सामने है। क्या इन बिगड़े बोल पर जनता भरोसा करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मामला बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी में बहुत ही गंभीर हो चुका है और जितना मामला बीजेपी के लिए गर्म होगा उतना ही रास्ता एक बार फिर से विपक्ष के लिए साफ होता रहेगा। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।